जैसा कि दोस्तों आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं और इसका साइज है 20x50। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था सर मुझे 20x50 का एक डिजाइन बनाकर दीजिए। तो मैंने बहुत ही ओपन घर बनाया है विथ कार पार्किंग, विथ बाइक पार्किंग, विथ प्लेग्राउंड। ये जो साइज है 20x50 हाउस प्लान विथ कार पार्किंग है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये पूरा इसका फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर सभी को डिस्कस करेंगे। सिर्फ बने रहे आप इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। यदि अगर आपने दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार पाने के लिए हाउस डिजाइन से रिलेटेड, और अगर आप चाहते हैं कि अब मैं आपका एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो चलो हम हमेशा की तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा ट्रांसपेरेंस। जैसा कि मैं लगातार आपको सबसे पहला स्टेप हमारा ट्रांसपेरेंसी कर ही मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिएगा ये हाउस प्लान, आप जैसा कि देख पा रहे हो ट्रांसपेरेंट थोड़ा अभी कम हुआ, और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लेता हूं, सब ये आपको और बेहतरीन सा दिखने वाला होगा। देखिएगा अगर आप फ्रंट से बात करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, अगर टॉप से बात करें तो आपको ऐसा दिखेगा टॉप व्यू, और आप साइड से देख सकते हो ऐसा पूरा एक एक चीज आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी में, कहां पर स्टेयर्स हैं क्या है। तो ये पूरा मॉडल है, 3D मॉडल है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो इसका हम ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं 1x1 करके। तो जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी रिमूव की तो आप देख सकते हो ये मॉडल। अब इसको फ्रंट से आप ऐसा देख रहे होंगे, ये कार पार्किंग की जगह है, फ्रंट व्यू आपका ऐसा होगा और टॉप व्यू आपका ऐसा होने वाला है। अगर हम बात करें साइड व्यू तो आप ऐसे देख सकते हैं, बैक पर भी आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका हम ले चलते हैं आपको इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो सबसे पहले आप देखिए फ्रंट से आपको ये ऐसा दिखेगा, ये मैंने डिजाइनिंग किया है दोस्तों। और जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आप जैसे इंटर करते हैं मेन डोर से, ये आपका दोस्तों एक प्ले ग्राउंड है, आप देख सकते हो। इसका साइज अगर जानना है तो आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आपको एक एक साइज दिख जाएगा, दिखेगा 13.9 to 9.7, ये आपको साइज दिखेगा। रूम का भी, बेडरूम का भी साइज दिखेगा, किचन लेटरिन बाथरूम सबका यहाँ पर आपको साइज एक एक दिख जाता है। ये पूरा साइज जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जैसे इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको कार पार्किंग मिल जाती है, स्पेस कार पार्किंग के लिए। ये आपका ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, और इसके बाद मेन डोर आपका ये हो जाएगा। यहाँ से आप इंटर करेंगे, मैंने ओपन रखा है, आप चाहे तो यहाँ पर आप दरवाजा लगवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप इंटर करते हैं तो आपका ये गैलरी टाइप का बड़ा सा लगभग 9 फिट का, और यहीं पर फिर मैंने ये स्टेयर्स आपको दिया है, इधर से स्टेयर्स है और इधर सामने गया, फिर थोड़ा हल्का सा मोड़ गया, एल टाइप का आपका स्टेयर्स है। और ये आपका यहाँ पर दोस्तों किचन के एरिया है, मैंने किचन ओपन रखी है और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ओपन इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर आपके विंडो लगा है, इस वजह से मैंने इसको क्लोज नहीं किया है। और पीछे की अगर हम बात करें तो 2 बेडरूम आपको मिल जाते हैं 13x9.9 के लंबाई में, और चौड़ाई की बात करें तो 9.55 फिट के आपको 2 बेडरूम बेहतरीन से मिलते हैं। ये आपका इसके लिए डोर है, ये विंडो है, और इस वाले रूम के लिए ये डोर और ये विंडो है। ये आपको गैलरी से मिल जाती है, स्पेस 4.5 फिट का अप्रोक्स, और ये आपका एक बेडरूम है, आप देख सकते हो इसका साइज भी वहां पर आपको दिया है। यहाँ पर मैंने कंबाइंड विंडो प्लस गेट दिया है, डोर दिया है। ये आपका दोस्तों लेटरिंग और बाथरूम का एरिया है, आप अगर चाहें तो आप लेटरिंग और बाथरूम के लिए यहाँ से भी गेट अपना एक लगवा सकते हैं। मैंने फिलहाल गैलरी से ही लेटरिंग और बाथरूम के लिए ये गेट दिया है, ये कंबाइंड लेटरिंग और बाथरूम आपका हो जाता है। ये प्ले ग्राउंड अगर आपके बच्चे हैं या कुछ भी बहुत सारा चीजें होती है तो वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका कार पार्किंग है, और आप चाहें तो अपना प्लेग्राउंड जो आपका है वहां पर अपना बाइक या कुछ भी पार्क कर सकते हैं। तो ये तो पूरा फ्रंट डिजाइन हो गया, मैंने जो ये डिजाइनिंग दिया है दोस्तों, ये आपका बेहतरीन सा पिलर जो होते हैं ना वो बनाए, कॉलम जिसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर का स्पेसिफिकेशन। अब हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर आपको फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है, देखिएगा बिल्कुल सेम। और अगर हम इसको टॉप से देखें तो ऐसा देख सकते हो, और उसी स्टेयर्स जो स्टेयर्स मैंने नीचे दी थी उसी स्टेयर से आप ऊपर आएंगे, और सेम टू सेम पीछे वाले दोनों बेडरूम सेम है, ये वाला भी पूरा बेडरूम सेम ही है, बस जो यहाँ पर लेटरिन और बाथरूम का एरिया था वो मैंने बेडरूम में कंबाइंड कर दिया है। तो ये बेडरूम बड़ा सा और भी आपका हॉल सा बन जाता है।
ये आपके स्पेस ओपन स्पेस और ये पूरा आपका ओपन स्पेस होगा दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही, क्योंकि आजकल बहुत ही कंजेस्टेड घर बनते हैं, तो मैंने ज्यादा चीजें तो नहीं डिजाइन की है। ये घर आपके लिए बहुत ही सुटेबल होगा ये डिजाइन, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें ओपन है और आप बहुत ही आसानी से अपनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। इस अगर हम गेट की बात करें तो ये आपका गेट है, ये विंडो है और फ्रंट से भी मैंने एक विंडो आपको दे रखा है इस वाले बेडरूम के लिए। फ्रंट से ये बालकनी, 2.5 फीट का बालकनी मैंने इंक्रीज कर दिया। ये आपके मैंने गमले रख दिए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। यहाँ पर आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बालकनी आपका यहाँ से लेकर ये पूरा बालकनी है 2.5 फीट का, तो आप ये देख सकते हो इसका फर्स्ट फ्लोर। अगर हम डिस्कस करें लास्ट फ्लोर या ग्राउंड सेकंड फ्लोर की, तो बस सेम टू सेम मैंने छत डालकर और सेम डिजाइनिंग दे दी है। ये आपका सिर्फ जीना है जो उसको ढक दिया है बरसात की वजह से, तो आपको ये पूरा डिजाइन दिख जाता है जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे होंगे। और ये फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा पूरा डिजाइन। अगर आप चाहते हैं दोस्तों और भी मैं थोड़ा वीडियो लंबा बनाया करूं जिसमें सारी चीज़ें आपको समझ में और भी आए, तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपका कोई भी डिजाइन आप चाहते हैं कि मुझे 20x50, 20x60, 15x20 किसी भी टाइप का डिजाइन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूं। तो प्लीज ये आपको मॉडल कैसा लगा या डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा एक दोस्तों पेज है जिसका नाम है न्यू टेक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी जरूर फॉलो कर लें। फेसबुक पेज है, वहां पर भी मैं लगातार वीडियो अपडेट करता रहता हूं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और